हेलो गाइस, एक बात बहुत क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि अक्षय कुमार चाहे अपनी कनाडा की सिटीजनशिप छोड़ दें, लेकिन हम इस खिलाड़ी की कोई पिक्चर नहीं देखने जाएंगे। ना हमें मतलब है भाई, इमरान हाशमी से उनने जब से चुम्मियां छोड़ी हमने उसकी पिक्चर देखना छोड़ दिया है। हम ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ देखने गए क्योंकि हमें ट्रू डाई हार्ड नुसरतियंस। यस, पता नहीं लोग उसकी एक्टिंग में भी कमी निकालते हैं। भाई वो तो एक्टर है ही नहीं, ये तो लवरंजन ने उठा के एक्टिंग करवा ली, वो तो मशहूर कव्वाल है। यस, नुसरत फतेह अली खान, वी लव यू नुसरत फतेह अली खान, जिंदाबाद। भाई उनकी इस चीज की तो कोई बात नहीं करता है। वो कैसे पहले ऐसे दिखते थे और अब ऐसे हो गए। मस्त यार, फिट टू फैट तो उनका हुआ है। फैट टू फिट भाई, उल्टा बोल दे। फैट टू ब्यूटीफुल, उल्टा बोल दे। फैट टू ब्यूटीफुल हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद नुसरत फतेह अली खान, जिंदाबाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। और मेरा नाम है दोस्तों शुभम। दाएं बाएं की कोई बात नहीं करेंगे, सीधा फिल्म मुद्दे पर। यस, एक और बार भाई, इनफ डिज्नी प्लस हॉटस्टार का पैसा बर्बाद करने के बाद, बर्बाद करने के बाद अक्षय कुमार ने फिर हिम्मत जुटाई। बिल्कुल, मतलब कि उन्होंने कहा कि अब तक ओटीटी बर्बाद करूंगा, कब तक मैं थिएटर चलता हूँ। बाकायदा सीन हमें लगता है कुछ ऐसा हुआ होगा। मुझे कुछ नहीं पता, देश में सामाजिक बुराइयां बढ़ी रहनी चाहिए। अब बुराइयां नहीं होंगी तो मैं सुधारूंगा क्या सर? हाँ, कोई कुरीति लेके आ नहीं सर? हाँ बड़े, वो एक नई मूवी आई थी तो वो कर लेते ना साइन। अबे दो तीन ऑफर आ रखे, किसको बर्बाद करूं बता सर? हॉटस्टार को और कर दूं, 100-200 करोड़ का चूना और लगा दूं। अरे नहीं सर, अब वैसे उनके पास आईपीएल भी नहीं है इस बार तो फिल्म करते। चैरिटी करवानी चाह रहा है मेरे से, चैरिटियां हैं। अरे सर, हीरोइन डिस्कस कर लेते ना, फिर लॉक कर लेंगे। हीरोइन पहले, हीरोइन डिस्कस कर ले। ऑब्वियसली सर, क्या रोल है बता सर? आपको क्या दिक्कत है रोल की, आप हीरोइन डिस्कस करो। अबे वही तो पूछ रहा हूँ, हीरोइन का क्या रोल है? मेरी बंदी बनी है कि मेरी बीवी बनी है? बीवी है सर। तो बीवी तो फिर इलियाना डी क्रूज कर दे फाइनल। सर अजय देवगन ले गया सर वो साला। अजय गुटके की एड भी ले जाता, हीरोइने भी ले जाता। एक काम कर, फिर उसे कर दे, डायना को कर दे। कौन डायना सर? अबे फैमिली ऑडियंस देखती है, पूरा नाम नहीं ले सकता, डायना को कर दे। हॉटस्टार को तो देख बहुत चूना लगा दिया मैंने, इस तफे धर्मा को चूना लगाते चल। ठीक है सर, उनको लगाया था। हाँ, धर्मा वाली फिल्म कर लेते हैं। हाँ, वैसे भी पैसा कमा के आपने टैक्स भर देना सबसे ज्यादा, आपकी इज्जत हो जाएगी। भाई पुलों पे पब्लिक चल रही है, उसका सरिया मेरे पैसे से आ रहा है, मेरे पैसे से। मैं तुम्हें टोल में 30 रुपए कम देने पड़ते हैं क्योंकि मैं 30 करोड़ भर देता हूँ। और साले मेरी फिल्म देखने आ जाया करो, वरना पुल्ली बनेंगे तुम्हारे। तो फाइनली थिएटर में फिल्म आ चुकी है अक्षय कुमार की सेल्फी, जो कि मतलब ऐसा लगता है मुझे सेल्फी के बाद भी कुछ आएगा। सेल्फी एक प्रेम कथा। हाँ, क्योंकि एक मिसिंग तो लगता है, मिसिंग लगता है कुछ एक। भाई अगर देखा जाता है, सेल्फी ऐसे बनाई जाती है कि सेल्फी एक बुराई। हाँ, क्योंकि समाज का बहुत बड़ी बुराई बन चुकी है सेल्फी। ये बिल्कुल, मतलब आदमी को कुछ भी कर रहा हो सेल्फी चाहिए, अचानक से कहाँ मोबाइल निकल आता है। सेल्फी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ युवाओं की प्रॉब्लम है, पेरेंटल जनरेशन की और उनकी ज्यादा कुरीति है। ऐसी जितनी भद्दी सेल्फी है वो लेते हैं। जब इसके लिए हमें वो कहा जाए कि बिल्कुल एकदम कोई मतलब बच्चन बुरा मान जाए कि रात रात भर पाला तुम्हें, पोसा तुम्हें, आज एक सेल्फी अच्छी नहीं ली तो कॉल आउट करने लग गए। बट यस, हमने जाके देखी सेल्फी, एक और रीमेक फिल्म थिएटर के अंदर, और हमें लगा कि ये एटमैक्स ओटीटी के ही लायक थी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आप इसके लिए थिएटर जाओ, कुछ दिन वेट कर लो और ओटीटी पे देख लेना। और उस पर भी जब जिस दिन बिल्कुल बोर हो रहे हो तब, जिस दिन, या फिर अपने घर वालों को बोर करना कि क्या बोलते, टीवी टीवी नहीं ये लगा के टीवी देखो आज। बात करते हैं दोस्तों फिल्म की कास्ट की। लीड रोल में अक्षय कुमार बने हैं सुपरस्टार विजय कुमार। भाई साहब पूरा उनका स्टारडम दिखाया गया है, लोग उनकी पूजा करते हैं, वो घर के बाहर भीड़ है। मतलब वही कि अक्षय कुमार का भी सपना होगा ये वाला, मतलब अब तो शायद कब से अक्षय कुमार ये फिल्म देख के सोच रहे होंगे कि जितनी मैंने दिखाई है इतनी अगर मेरी फिल्म देखने आ जाए तो करण जौहर की 2 जैकेटें कम ना हो महीने की। इमरान हाशमी फिल्म के अंदर बने हैं पुलिस वाले ओम प्रकाश अग्रवाल, आरटीओ ऑफिसर, आरटीओ सब इंस्पेक्टर, आरटीओ सब इंस्पेक्टर। मुझे ऑनेस्टली फिल्म देख के पता चला कि आरटीओ के अलग पुलिस वाले होते हैं, और जो वर्दी में रहता है जिसके कंधे पे स्टार्स भी रहते हैं। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि हमें लाइसेंस कैसे बनवाया था। ऑब्वियस ही बात है भाई, इतनी मेहनत से, मेहनत से पहली बार जीवन में हमने शिंदे, धैया, अपने तल पड़े, इनके अलावा अग्रवाल साहब को भी पुलिस वाले की वर्दी में देखा। ऑन स्क्रीन भी पहली बार हुआ है, और ऑनेस्टली मैं तो मैं भी मिला नहीं जीवन में किसी अग्रवाल साहब से नहीं मिला। हाँ, सच में अग्रवाल साहब, गुप्ता साहब, किससे भी नहीं मिला, गोयल साहब, मैंने अग्रवाल साहब वर्दी में देखेंगे तो मैंने नाटक कहाँ कर रहे हो? हाँ, कहाँ एक्टिंग करने जा रहे हो? सच में
और वो भी ऐसे नहीं होगा कि कहीं जा रहे होंगे, वो भी मैक्स टू मैक्स ही होगा, उनका बच्चा पढ़ता होगा बहुत बड़े स्कूल में, जहाँ पेरेंट्स को फैंसी ड्रेस में आना होता होगा उसके लिए जा रहे होंगे। सच में अग्रवाल पुलिस वाला कहीं भी अगर किसी को मिले प्लीज एक फोटो खींच के उनके साथ मेरी मुझे भेजना। हाँ बस ये कैरेक्टर ने मेरे को देख के जो ना स्टीरियोटाइप ब्रेक किया और ये हो गया कि हाँ फिक्शनल है, फिक्शनल है, इससे मुझे हर्ट नहीं होना है। इस फिल्म में कुछ भी अगर हर्ट दिखा करने वाला होगा यार फिक्शनल है यार, फिक्शनल है यार, अग्रवाल साहब पुलिस में यार हो ही नहीं सकता ऐसा। इनकी पत्नी का कैरेक्टर प्ले किया है नुसरत भरूचा ने। आप सोचिए अगर ये फिल्म ऐसी सोशियो पॉलिटिकल फिल्म होती तो कास्ट कौन होती? तो नुसरत भरूचा की जगह पक्का भूमि पेडनेकर होती 100%, 100%। जैसे ही टाइप होनी शुरू होती है ना सोशियो पॉली होता है ना, पॉली पे इतना तो बेल बज जाता है, ओके की मिल आ जाता है भूमि पेडनेकर की, तो मैंने खुद साइन कर दिया। और अगर ये फिल्म सोशियो पॉलिटिकल होती तो कैसी दिखती, आइए दिखाते हैं। क्या नंदू क्या कर रहा है फोटो स्टूडियो के बाहर? बीबी अंदर गई है। अबे क्या करने गई है अंदर? अरे वही सरकारी दिक्कत, कह रही है पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी है मुझे। अबे तो इतना महंगा स्मार्टफोन लिया हुआ है तूने, भाभी जी की तो फोटो नहीं खींच सकता इससे? इसमें स्पेस नहीं है ना, खुद की सेल्फी लेने के लिए स्पेस है तेरे फोन में, भाभी जी की एक कैंडिड क्लिक करने के लिए नहीं है। ऐसी सेल्फियों से बचे, सेल्फी एक बुराई आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। इन तीनों के अलावा फिल्म के अंदर अभिमन्यु सिंह ने भी एक कैरेक्टर प्ले किया है, वो भी एक एक्टर है और सूरज कुमार उनका नाम है। नाम देख रहा है विजय सूरज, ये पता नहीं कौन जमाने के आजकल के एक्टर, तो भाई बड़े कूल नाम वाले नहीं है, तो खैर वही दिखाना कि 30 साल से इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं। 30 साल सूरज एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया है जिसने इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत अक्षय कुमार के कैरेक्टर विजय कुमार के साथ ही की, साथ में रूममेट्स हुआ करते थे दोनों, वही एक बड़ा स्टार एक छोटा स्टार होता चला गया, एक का करियर बढ़ता चला गया एक का गिरता चला गया, गैप। और इसके अलावा फिल्म में और भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन राजेश को याद रहे सिर्फ हीरोइनों के नाम। कौन सी हीरो नहीं है बड़े फिल्म में? अदा शर्मा फिल्म के अंदर आई है, छोटा सा किरदार उन्होंने निभाया है। इनके अलावा मृणाल ठाकुर है एक गाने के अंदर, वो भी दिखी है। भाई अक्षय कुमार की हीरोइनें दिखाई गई है क्योंकि वो फिल्म के अंदर भी फिल्में कर रहे हैं। अक्षय कुमार का मैनेजर कौन बना? जीजा जी जो कौन से जीजा जी? अरे जीजा जी थे यार उस फिल्म में, वो हम आपके साथ में जीजा जी थे। तो देखा उनके नाम इसको नहीं याद है लेकिन मृणाल ठाकुर जो आके सिर्फ डांस नंबर करके, अदा शर्मा वो भी डांस ही कर रही थी। खुल के बोलो यार कि नहीं पता हमें, तो हमें तो मतलब नहीं है भाई हीरो से, हमें तो हीरोइन से मतलब। कट्टर सिंप वेरी गुड बात यार। अब बात करते हैं दोस्तों फिल्म के प्लॉट की। तो फिल्म का प्लॉट मध्य प्रदेश में है और भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश का भोपाल। और मैं अगर भोपाली होता मैं ये फिल्म देख के ऑफेंड हो जाता, लेकिन भाई वो क्यों आगे बताते हैं। फिल्म की कहानी भोपाल बेस्ड है, जहाँ पे अपने ये इमरान हाशमी और उनका बेटा बहुत बड़े फैन है विजय कुमार के, और इतने बड़े फैन है कि वो पोस्टर लगाते हैं, वो दूध चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, उनके गानों पे नाचते हैं, थिएटर में कूदते हैं, मतलब जश्न मनाते हैं। दोनों बाप बेटे दीवाने हैं उनके, बहुत बड़े वो उनके फैन है। और उन्हें पता चलता है कि विजय कुमार भोपाल में शूटिंग करने के लिए आ रहे हैं, बाप बेटे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो शूटिंग देखने जाएंगे। शूटिंग देखने जाते हैं, वहां जाके एक सेल्फी लेना चाहते हैं जो इन्हें मिल नहीं पाती, और अक्षय कुमार का अभी तक कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाया गया है स्टारी कुछ ऐसा बहुत, मतलब वो अच्छे सुपरस्टार हैं। हाँ। बोलते हैं कि फैंस का सुपरस्टार हूं, प्रोड्यूसर्स का सुपरस्टार हूं, बिल्कुल अच्छे नेचर के सुपरस्टार हैं, पीपल्स मैन वो तरीके के दिखाए गए। वहां उन्हें जरूरत पड़ती है ड्राइविंग लाइसेंस की, जो कि उनके पास कभी था लेकिन किसी वजह से अब नहीं है, अब नहीं है। इसी ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने वो आरटीओ जाते हैं, और अब इसी आरटीओ में तो भाई खुशी की लहर फैल जाती है क्योंकि आरटीओ के जो सब इंस्पेक्टर हैं इमरान हाशमी वो तो बहुत बड़े फैन हैं, उनका तो ऐसा हो गया कि मेरे प्रभु आज मेरे घर आने वाले हैं, तो वो पूरा सजा देते हैं उसको, बहुत एक्साइटेड है उनके लिए। लेकिन कुछ ऐसा घटता है कि ये सब कुछ अच्छा अच्छा होते होते अचानक बुरा हो जाता है। अक्षय कुमार के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसके बिना उन्होंने सालों गाड़ियां चलाई, ये बात मीडिया को पता चल जाती है। और ड्राइविंग लाइसेंस की उन्हें जरूरत भी है, वो भी सीन के लिए, सीन के लिए वो भी एक प्लॉट में दिखाते हैं कि उन्हें जरूरत क्यों है इतनी ज्यादा, इसलिए वो वहां रुकते हैं। और पूरा एक फेस ऑफ हो जाता है दोनों का फेस ऑफ होता है। अच्छे सपोर्ट से दिखाए गए हैं कि पर्सनल लाइफ में एक चीज़ है जिससे अक्षय कुमार डील कर रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ी उनकी सटकी हुई होती है, प्लस यहाँ जो लोगों का बिहेवियर होता है वो प्लस मीडिया का बिहेवियर जो है सब मिलजुल के हो जाता है कि और परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि लगने लगता है कि दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन है, बहुत बड़े कट्टर दुश्मन है। और फिर तो कुछ भी हो जाएगा। फिल्म के ट्रेलर में आपने लाइन देखी होगी कि आपका सबसे बड़ा फैन अब कैसे आपसे टक्कर लेगा, क्या होगा, वो पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। और सेकंड हाफ बहुत ही ज्यादा बोझिल हो जाता है क्योंकि वो टक्कर कुछ ज्यादा ही लंबी खिंच गई है और जो थोड़ी हजम भी नहीं होती, ऐसी टक्कर हो जाती है, ऐसे मोड़ पे आ जाती है जहां आपको लगने लगता है कि काल्पनिक है और जल्दी खत्म होनी चाहिए। हाँ क्या हमें अच्छा लगा फिल्म के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो छोटे छोटे गैग्स आते हैं स्पेशली फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ के एक कैरेक्टर है तिवारी जी का जो कि वुमेन कॉरपोरेटर दिखाई गई है भोपाल शहर की, उन्होंने
कॉमेडी बहुत अच्छी है और सूरज कुमार की कॉमेडी भी काफी अच्छी लैंड होती है और हाँ। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की भी लैंड होती है फर्स्ट हाफ में। हाँ। ये सब फन फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में फिल्म बहुत ही बोझिल हो जाती है। बोझिल इज द करेक्ट वर्ड। अच्छे जो लगे हैं हमें फर्स्ट हाफ के कॉमेडी गैग्स लगे हैं। पहला जो गाना है कुड़िये नी तेरी वाइब, मेरे को वो सही लगता है। उसके अलावा गाने भी बोझिल हो जाते हैं। परफॉर्मेंस अच्छी है, इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगी है मुझे अक्षय कुमार से। अक्षय कुमार तो फिर अक्षय कुमार ही बने कहीं कहीं कहीं, मतलब प्ले तो उन्होंने वही किया है, एक्शन हीरो ही बने, लेकिन हाँ इमोशंस भी दिखाए उन्होंने। लेकिन इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उनका कैरेक्टर जो है उसके पास करने के लिए ज्यादा चीज है। पिता भी है, बच्चे पिता भी है और हाँ वही अपने बेटे का हीरो है, एक बहुत बड़ा फैन भी है एक बड़े हीरो का, तो उनके पास करने के लिए ज्यादा था, तो उनका कैरेक्टर अक्षय कुमार से ज्यादा अच्छा लगता है। और नुसरत भरूचा पत्नी ही बनी है सिर्फ उनकी, वही यार दूसरी अक्षय कुमार की पत्नी भी सिर्फ पत्नी बनी है, ये भी इनकी पत्नी भी सिर्फ पत्नी बनी है, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को ऐसे ढीला भी छोड़ दिया गया है। कॉमेडी गैग्स, एक आधा गाना, इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस, इसके अलावा फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है। एंड स्पेशली मतलब अगर सेकेंड हाफ में हम कमियां गिनाने जाएं तो इतनी सारी है। फॉर एग्जांपल एक गिनाएंगे, अक्षय कुमार अपने ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने आते हैं, भाई भोपाल की जनता इतनी क्लियर, पूरा भोपाल अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की लड़ाई देखने में बिजी है। और लड़ाई भी ऐसा नहीं कोई घुसन मुक्की हो रही हो, कोई आर्म रेसलिंग हो रही हो, वो ड्राइविंग का टेस्ट दे रहा है कि आठ बना पाएगा कि नहीं, सड़क पे चला पाएगा कि नहीं। इमरान हाशमी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, इसके लिए भाई फैंस आके जमा हो गए, फैंस, मीडिया, मीडिया ने तो भाई हद मचा दी है फिल्म के अंदर। हमें मीडिया पे हम विशेष तौर पर बात करना चाहते हैं, मीडिया की हरकतें देख के हमें याद आया कि अपने विरल भयानी के पैप्स कितने अच्छे हैं यार। भाई सच में यहाँ पे मीडिया एकदम ऐसा दिखाया गया कि नोच ना चाहता है, ये करना चाहता है, पर जबकि आप पैप्स देखें वो कितने अच्छे, कितने स्वीट होते हैं यार, मुझे अच्छा लगता है। सर इधर एक बार इधर देखने के, सर कैसे हो राजेश भाई, सर किधर जा रहे हैं, छुट्टी पर जा रहे हैं, सही है सर, बढ़िया बढ़िया, भाई साहब कितने स्वीट है यार। भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा मेंटल स्टेट आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो थेरेपी से पहले आप पैप लो। हां सच में, मतलब थेरेपिस्ट तो पैप सेशन हो जाए आपका एक, मैं कह रहा हूं लोग पेट पालते, पैप पालो पेट मत पालो, हां पैप पालो, पैप जितना केयर आपके रहते ना कि पेट क्या है, मुझे लगता 90% पेट अच्छे होते हैं। मुझे लगता है कि माँ बाप भी दो चार खराब निकलते हैं फिल्मों के हिसाब से, हाँ। पैप सबसे ज्यादा अच्छे हैं, पैप कोई खराब नहीं निकलता। कैसे हो राजेश भाई, किधर जा रहे हैं सर, शर्ट पर जिम जा रहे हैं सर, अरे बढ़िया सर, मतलब जिम में हो सकता है आपका पर्सनल ट्रेनर पानी पिलाने का आपको भूल जाए, लेकिन पैप, श्रद्धा मैम पानी पिया खाना खाया, भाई असली पैप जो आपकी केयर कर देगा ना वो पेट भी नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा फिल्म के अंदर एक चीज और खराब लगी है कि एक फैमिली, एक पुलिस वाले की फैमिली में इतनी दिक्कत, ये वाली कैसे हो सकती है कि बीवी उसको नहीं छोड़ रही है, हाँ। बच्चा उसका नहीं है ये कैसे हो गया है, मतलब सच में मुझे लगता है थोड़ी स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग करवा लेनी चाहिए इस फिल्म की। तो जैसा हमने आपको बताया वो करेक्टर देते, ये तो राजन डी के नहीं भाई, ये तो सबने कर दिया ना कि पुलिस वाले के बच्चे, तो पुलिस मतलब सोचो लिटरली फिल्म के अंदर सीन दिखाया गया है कि इसके पापा का फड्डा हो गया, बहुत बड़े सुपरस्टार है और पापा हार रहे हैं एक पॉइंट पे, तो उसको बुली किया जा रहा है। अगर अब आप पुलिस वाले के बच्चे, फिल्मी पुलिस वाले के बच्चे, तो आप गन लेके जाओगे, राज मेहता साहब ये क्या है, हाँ, मेरे पापा पे नहीं भी होगी मैं तब भी ले जाऊंगा जुगाड़ करके, कुछ भी हो भाई पापा के दोस्त से लेके जाऊंगा, हाँ? पापा पुलिस में है तो स्कूल में गन लेके जाऊंगा, स्कूल से फायर कर देने चाहिए ऐसे बच्चे, बिल्कुल निकाल दो, आप गन लेके नहीं आ रहे हो। अच्छा स्कूल की तो इतनी बस चीज है कि एक दिन ऐसा आता है कि टीवी पे प्रॉपर डिबेट होने वाली है अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की, तो भाई पूरा शहर देख रहा है वो डिबेट, तो स्कूल की मैम भी ले जाती है बच्चों को बिठा के और एक कमरे में बिठाती है, लो बेटा देखो डिबेट, और फिर बच्चे इतनी बदतमीज दिखाई रहे थे तो उन्होंने सर पे इसके पानी की उड़ेला भाई, फिर तो भूतते है ना बच्चे, तो उन्हें तो और क्या भाई, ये बुली कर ही रहे, सही बात है, तो स्कूल अपनी वाटर बोतल से वो भी जो मुझे भर के लानी पड़ेगी, जो मुझे खुद भर के लानी पड़ेगी, या तो मैं दो टबलीज के मारूं कि पहले भर के ला। और इनके स्कूल में तो वाटर कूलर भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा कि वहाँ टंकी है जिसपे बंदर नहा के चले गए थे जिसके अंदर सांप मिला था, ऐसी खबरें आती है उस टंकी से, वो टंकी भी नहीं है, बड़े हुए हाँ वो टंकी भी नहीं है, मतलब स्कूल नकली दिखाया है, भोपाल का थोड़ा सा वो कर दिया है, भोपाल का तो बहुत, मैं तो चाहता हूँ भाई भोपाल वालों ऑफेंड हो जाना, एक है उधर के आदमी पॉलिटिशियन, एक वहाँ के दो तीन है एक्चुअली, तो ये इस पे ऑफेंस ले रहा है कि मैं भोपालियों का ऐसा दिखा दिया भाई, हम ही नहीं है क्या, उन्हें कोई हम ही नहीं, चल आज अक्षय कुमार का ड्राइविंग टेस्ट देखने चल 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 चल, गुस्सा भी आ रहा है उन्हें, देख लेंगे रास्ते में, कैसे हो सर ड्राइविंग टेस्ट देखने जाते हो सर, कैसे सर स्मार्ट लग रहे हो सर, 8 पे निकालेंगे सर, यही है सर, अच्छा है सर, कमी निकालने की बात नहीं है, बट अगर आप फिल्म को बड़े पर्दे पे देखोगे आपको रियलाइज होगा इट इज शॉट टेरिबली बैड, ये कहीं से देख के धर्मा फिल्म नहीं लगती है, लगता है कि बजट बचाया गया, या तो अक्षय कुमार और इमरान हाशमी को दोनों को एक साथ लाने के लिए मोटा बजट आया होगा, तो वो खर्च कोई मोटा बजट नहीं लेता है, तो नुसरत साहब और इमरान हाशमी को साथ लाने के लिए नुसरत साहब ने अपने 10 शो कैंसिल किए होंगे ना कव्वाली के मिडिल ईस्ट के, उनके लिए बजट आया होगा, लेकिन वो दिखता है, फिल्म दिखती है, सस्ती फिल्म दिखती है, लगती है,
लगती है, इट लुक्स चीप, इट डजंट लुक लाइक अ धर्मा फिल्म. मतलब ये उतनी सस्ती फिल्म है कि अगर भंसाली के ऐसे हुआ होगा कि जैसे अक्षय कुमार को बोला गया ये फिल्म है भंसाली के टीवी पे चला दो, टीवी फूट जाएगा उनका भाई, टीवी फूट जाएगा, उनको ब्रेक लेना पड़ेगा, इलाज इलाज कराना पड़ जाएगा आंखों का. सस्ता सेट दी थी देख लिया मैंने. तू क्या करता अक्षय कुमार? मैं ये कह रहा था कि ऐसा हुआ होगा कि अक्षय कुमार, अब किसी ने बोला होगा कि सर अक्षय कुमार को साइन करना है, डायरेक्टर ने जिद करी होगी कि सर अक्षय कुमार को साइन करना है, अब प्रोड्यूसर होंगे करण जौहर, अक्षय कुमार को साइन करना है, मतलब करण जौहर ने बोला 20 करोड़ तो टैक्स के दो. नहीं नहीं, करण जौहर ने ऐसे बोला होगा, ठीक है 50 करोड़ बोल देता हूँ, कौन सा कर लेगा वो 50 करोड़ की फिल्म सुन के. तो बोला सर 50 करोड़ ही बजट है, तो अक्षय ने बोला 49 मेरे एक में कर ला, एक में तो लिटरली यही हुआ है, 49 अक्षय ले गए, एक में पूरी फिल्म बनाई है. सस्तापन दिख रहा है, दिख तो रहा है, ठीक है. जब आए फिल्म OTT पे आप लोग देख लेना, और हम इस हफ्ते या बहुत जल्द लेके आ रहे हैं आपके लिए एक नया शो भी, एक अलग फॉर्मेट कुछ नया करने वाले हैं, और उम्मीद चाहेंगे कि आप उसे भर भर के प्यार दें, क्योंकि वो कैसा प्यार दे, पैप जैसा प्यार, पैप जैसा प्यार दे, बोला कि जैसा प्यार चाहिए. अजय सर कैसा लगा? अच्छा लगा, बढ़िया, मजा आया हमको देख के, बढ़िया है सर आप लोग का, मजा आया सर, मैं शेयर कर रहा है सर, ये देखो उस लेवल का प्यार हमें इस पे भी चाहिए, उस पे भी चाहिए, मतलब हमारे से ऑडियंस बन गया, हमारे पैप बन गया. बिल्कुल यार, हमें पैप चाहिए यार, अब पैप चाहिए हमें लाइफ, ठीक है, पैप बनो हमारे. वी विल सी यू सून विद अ न्यू शो, और इसके भी नए एपिसोड्स आते रहेंगे. देखते रहो, प्यार देते रहो, लाइक ही लाइक, शेयर ही शेयर, सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब, सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब, पैप ही पैप, पैप ही पैप.